नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों। अजगरों की बस्ती खबर है मंडला से, जहां इस जगह पर आराम फरमाते हैं अजगर। यह अजगरों की अनोखी बस्ती, काफी तादाद में पाए जाते हैं अजगर। अजगरों की वजह से ही अजगर दादर नाम पड़ा। कान्हा नेशनल पार्क के समीप है यह जगह। दूर दूर से अजगरों की दीदार करने आते हैं लोग। इस जगह को संरक्षित करने की है जरूरत, पर्यटकों के लिए नहीं सुविधाएं। इस पथरीले इलाके में हर साल जाड़े के दिनों में एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों अजगर अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं। करीब 217.35 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में पत्थर और मिट्टी के बने छेदों से निकलते अजगर आम ग्रामीणों के अलावा पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। बताया जाता है कि ठंड के दिनों में जब तापमान निरंतर गिरावट में होता है तो इन सैकड़ों अजगरों को अपने शारीरिक तापमान को संतुलन बनाए रखने के लिए बाहर आना पड़ता है और लंबे समय के लिए ये बाहर गर्म पत्थरों में ये धूप सेंकते हैं। वन विभाग ने इनके संरक्षण के लिए इलाके में फेंसिंग तो कराई है, लेकिन सूची एक में दर्ज अजगर की सुरक्षा के लिए ये नाकाम साबित हो रहा है। मंडला जिला मुख्यालय से महज 29 किलोमीटर दूर और कान्हा नेशनल पार्क से लगभग 30 किलोमीटर दूर रायपुर मार्ग के अंजनिया से लगे इलाके में अजगर दादर नाम के क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से हर साल ठंड के दिनों में अजगरों को एक साथ समूह में धूप सेंकते देखा जा सकता है। पथरीले इलाके में चूहों की बहुतायत मात्रा में होना और लंबे क्षेत्र में पत्थर और मिट्टी का होना अजगरों के लिए यह माकूल स्थान है, जहां प्राकृतिक तरीके से सैकड़ों अजगर रहते हैं। करीब 217.35 हेक्टेयर में फैले इस वन क्षेत्र में बड़े बड़े बिलों में रहते हैं अजगर। इन दिनों धूप में बाहर निकल आते हैं, जिसमें छोटे बड़े अजगरों की उपस्थिति स्पष्ट देखी जाती है। ग्रामीणों का मानना है कि इस गांव का नाम भी इन्हीं अजगरों से पड़ा है, जहां प्रतिवर्ष सैकड़ों पर्यटक भी पहुंचते हैं। यह पर्यटन की दृष्टि से कोई कार्य अब तक नहीं किया गया है, जबकि यह इलाका कान्हा से लगा हुआ है। यहां रैन बसेरा, पेयजल व्यवस्था और सड़क का अभाव तो है, साथ ही अजगरों की सुरक्षा भी नहीं है। प्रेजेंट मैं अजगर दादर में खड़ा हूं और यहां पे मैं बचपन से ही आता जा रहा हूं, और यहां पे अभी बिल्कुल भी सुविधाएं मुझे दिख नहीं रही हैं। मैंने यहां पे कई बार अजगर देखा है, अभी भी देखा है, लेकिन सुविधाएं नहीं दिखी अभी तक। और यहां करीबन मैं 5 साल से बहुत ज़्यादा, मतलब हर साल ही आना हो रहा है, हर ठंड में आना हो रहा है। और 5 साल में मतलब कहना चाहिए लोगों को जानकारी तो है, यूट्यूब में भी देखते हैं, सारा कुछ है, लेकिन सरकार उसके प्रति कुछ नहीं कर रही, ना उसका एडवर्टाइजमेंट कर रही है, सरकार के द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा है। और यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा जो असुविधा लगी वो रोड की है। यहाँ पे आने का मतलब कोई अच्छा उचित माध्यम नहीं है, ना ऑटो वगैरह चलते हैं, आप अपनी बाइक से आ सकते हैं। किसी कोई अगर बाहर से आ रहा है जिसके पास गाड़ी नहीं है या बाइक नहीं है, तो वो यहाँ पे मुश्किल है कि आ पाए। अच्छा, दूसरी चीज़ रोड में ऐसा है कि अगर यहाँ तक रोड बन जाए तो आदमी आ सकता है, सुविधाजनक तरीके से आ सकता है। और पानी वगैरह की व्यवस्था भी मुझे यहाँ पे थोड़ी सी कमी लग रही है, क्योंकि लोग उतनी दूर से आते हैं तो स्वाभाविक बात है पानी और वॉशरूम वगैरह की यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए। और सरकार को थोड़ा सा यहाँ पे घास वगैरह का भी, थोड़ा साफ स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए। कान्हा नेशनल पार्क में इन दिनों पर्यटकों की भारी भीड़ है। नवम्बर दिसंबर के महीने में अवकाश के कारण यहाँ पर्यटकों का आना जाना रहता है। यदि अजगर दादर को पर्यटन केंद्र की तरह विकसित किया जावे तो पर्यटकों के लिए एक और स्थान निर्मित हो सकता है। वहीं अजगरों की सुरक्षा भी पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र को अभ्यारण बनाने की कवायद जारी है, लेकिन अब तक वन विभाग आश्वासन मात्र दिया जा रहा है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इसे अभ्यारण बनाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। सामान्य वन मंडल पूर्व मंडला के वन प्रक्षेत्र जगमंडल के अंतर्गत कक्ष क्रमांक आर्यप 752 रकबा 217.35 हेक्टेयर क्षेत्र जो है, ये दादर मतलब पहाड़ी क्षेत्र है जो है, तो और ये पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पे कंदरा टाइप के छोटे छोटे कंदरा सुरंग टाइप के पत्थरों में दरारें हैं। उन्हीं दरारों में ये अजगर जो है अपने
प्रतिकूल परिस्थिति में अपना आवास बनाए हुए हैं। यह कक्ष क्रमांक 750 है। इसका कुल रकबा 217.35 हेक्टेयर है। अजगर वन प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची वन का वन प्राणी है, जिसको जिसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोगों ने अभी जो है तो वन मंडल पूर्व मंडला के अंतर्गत जो है शासन स्तर को अजगर दादर अभ्यारण बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। जल्दी ही स्वीकृति हो जाएगी। जैसे स्वीकृति हो जाएगी तो हम पर्यटकों को के लिए हम रोड का निर्माण कर देंगे तथा कर्मचारी आवास बनवा देंगे और इनको चारों तरफ से जो है वन प्राणी अजगर की सुरक्षा के लिए हम फेंसिंग करा देंगे। मंडला से अरविंद सोनी की रिपोर्ट।